शहर लाहौर में होने वाली प्री मानसून बारिश ने वासा की तैयारियों का पोल खोल दिया। चंद घंटों की बारिश ने पूरा शहर डुबो कर रख दिया, जिससे मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासर होकर रह गए। बारिश के थमने के बाद कई घंटों तक शहर के पोश इलाकों से भी पानी की निकासी मुमकिन न बनाई जा सकी। मॉडल टाउन में वजीर आला पंजाब मियाँ शहबाज शरीफ के घर समेत मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटेरिएट 180H मॉडल टाउन, DPS स्कूल, मॉडल टाउन सोसाइटी, जी ब्लॉक, ए ब्लॉक ग्राउंड, एफ ब्लॉक और सी ब्लॉक मार्केट समेत दीगर शाहराहें पानी में डूबी रही, जिसके बायस ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार रही, जबकि राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। मैं मौसमियात ने बता दिया था कि 15 रमजान के बाद मानसून शुरू हो रहा है। हर साल यही होता है, हर साल यही होता है, लेकिन इनको अकल नहीं आती कि ये उससे पहले को मुतबादल इंतजाम करें। हर बंदा मुश्किल में है, कोई गाड़ी बंद हो जाती है, कोई मोटरसाइकिल बंद हो जाता है, इंतजामिया कुछ भी नहीं कर रही। दूसरी जानब जस्टिस सरदार इकबाल रोड गुलबर्ग पर कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक की रहायशगाह के बाहर और मुलहका गलियों में भी बारिशी पानी जमा रहा। अहले इलाका का कहना है कि शहर का पोश तरीन इलाका होने के बावजूद जब भी बारिश होती है यहां तालाब बन जाता है, जिसके बायस इन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर जुनेद रियाज के हमराह फिजा नूर, 24 न्यूज़, लाहौर।